गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई का नाम है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कहीं ना कहीं ये हम सबकी फेवरेट मिठाई है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। इमेजेस देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, पर क्या आप गेस कर सकते हैं ये किसके गुलाब जामुन है? नहीं, ये मावे का गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मावे का गुलाब जामुन का रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए कितना यमी, माउथ वाटरिंग एंड मेल्ट इन माउथ गुलाब जामुन बने हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये आटे का गुलाब जामुन है, क्या आप लोग बिलीव करेंगे? जी हाँ, ये आटे का गुलाब जामुन है, बिना कोई मावा यूज़ किए हुए, बल्कि मिनिमम में इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने यूज़ किया है जो किचन में अवेलेबल होता है, और उसका आप अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए बनाते हैं आटे का गुलाब जामुन। आटे का गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच घी। घी को हम लोग अच्छे से स्प्रेड करेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसके बाद मैंने एक कप में लिया है 1 कप आटा। यहाँ पे मैंने कोई मेजरिंग कप का यूज़ नहीं किया है, मैंने एक नॉर्मल कप का यूज़ किया है। जिस भी कप में आटा ले रहे हैं उसी कप में बाकी सारा इंग्रेडिएंट ले लें। इसके बाद आटा को हम लोग लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि वो इवनली रोस्ट हो जाए। एक्चुअली मुझे बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं उनके पास मेजरिंग कप नहीं है। एक्चुअली मेजरिंग कप लेना इतना ज़रूरी भी नहीं है, आप कोई भी कटोरी या कप का यूज़ कर सकते हैं। मेजरिंग करने के लिए एक कप या कटोरी ले लें, जिस कटोरी से आप आटा ले रहे हैं उसी कटोरी से बाकी सारे इंग्रेडिएंट ले लें। देखिए मैं लगातार चलाते हुए आटे को रोस्ट कर रही हूँ। आटा थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है, मतलब उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं बीच में एक थोड़ा सा गैप करूँगी और उस गैप में मैं और आधा चम्मच घी डालूंगी। जैसे ही घी गर्म होता है हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच रवा या सूजी, बारीक वाला सूजी लिया है मैंने यहाँ पे। सूजी डालने से गुलाब जामुन का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मैंने पहले सूजी को रोस्ट किया है, उसके बाद मैं आटे को रवे के साथ मिला रही हूँ। देखिए ये पूरी तरह से मिल चुका है। अब हम इसको लगातार वैसे ही चलाते रहेंगे जब तक आटे का कच्चा स्मेल है वो ना चला जाए और आटे का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो जैसे व्हाइटिस है वो थोड़ा सा हल्का पीला कलर का हो जाएगा। पर आटे को ओवर रोस्ट बिल्कुल ना करें। देखिए आटा रोस्ट हो चुका है। इसको करने के लिए मुझे 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगा है। अब मैं इसको निकाल के एक बाउल में रखूंगी और इसको पूरी तरह से ठंडा करना है। इसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जब तक के लिए ठंडा होता है चलिए हम लोग चाशनी बना लेते हैं। अभी चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी। तो जिस कप में मैंने आटा लिया है उसी कप का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। 1 कप चीनी को एक पैन में डाल दें। इसके बाद हम लोग डालेंगे 1 कप पानी। इसका अमाउंट इक्वल ही रहेगा, 1 कप चीनी और 1 कप पानी, और इसको हम लोग उबलने देंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि गुलाब जामुन की चाशनी हम लोग जब बनाएंगे उसका कोई तार हम लोगों को नहीं बनाना है, जस्ट इसको तब तक उबालना है जब तक ये हाथ को थोड़ा सा स्टिकी लगने लगे। तो इसको हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम में थोड़ा सा उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आ चुका है और चीनी मेल्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्टर कर लिया है। अब हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको इसी तरह से उबलने देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है और चीनी भी घुल चुके हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। देखिए ये चाशनी कैसे धीरे धीरे से गिर रहा है, पर इसको थोड़ा और गाढ़ी होने देंगे। देखिए हाथ को कुछ भी नहीं फील हो रहा है, जस्ट पानी पानी सा फील हो रहा है। हम लोग को ये पानी पानी टेस्ट नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको 3 से 4 मिनट और बॉयल होने देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से चेक करेंगे इसको। अब देखिए हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, इसको हम लोग फिर से चेक करेंगे। जस्ट 4 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखिए हाथ को थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है और ये जैसे ही ठंडा होगा ये और थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसी स्टेज में गैस को ही बंद कर देंगे। देखिए कोई तार तो नहीं बन रहा है पर थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, इसलिए मैं इसी स्टेज में गैस को बंद कर रही हूँ। तो चलिए आटा की तरफ चलते हैं। आटा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 3/4 चम्मच इलायची का पाउडर और 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पे कंपलसरी है, मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद 1 चम्मच लेके इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर को स्किप मत करिए, आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब मैं और डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच घी। तो घी को हम लोग हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये ब्रेड क्रम्ब की टेक्सचर जैसा आ जाए। इसके बाद इसको गूंदेंगे। गूंदने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप दूध, जो रूम टेम्परेचर का दूध है। पर ये जो दूध है इसको हम लोग एकदम से नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की हेल्प से डालेंगे और इसको मसल के डो बनाएंगे।
देखिए मैंने दूध को 2 चम्मच दूध को मिक्स कर लिया है, पर मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ डालना भूल गई, वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा डालना है हमको यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 1/8 टीस्पून मीठा सोडा लिया है, पर ये गलती आप मत करना, आप इसको सूखे सामान के साथ मिक्स कर देना। तो मैं अभी सोडा डाल दिया है और इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था, बाद में डाल रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए। देखिए ये मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम लोग फिर से वही चम्मच का स्टेप दोहराएंगे, एक चम्मच करके दूध डालेंगे और इसको एक चिकना डो बनाएंगे। एक्चुअली आटे का क्वालिटी होता है, कोई आटा कम लिक्विड एब्जॉर्ब करता है और कोई आटा ज़्यादा। आपका आटा आधा कप पानी एब्जॉर्ब कर भी सकता है, उसे ज़्यादा भी कर सकता है, इसलिए हम लोग एक चम्मच करके डालेंगे तो पता चल जाएगा कि आटा कितना पानी एक्चुअली में नीड करता है। देखिए मैंने यहाँ पे डो बना लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, हाथ से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको थोड़ा सा शेप दे के देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर सिलेंडर शेप दे रही हूँ इसको, पर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये आटा सही नहीं है, इसलिए मैं इसको इसमें आधा चम्मच दूध और डाल रही हूँ और इसको फिर से नीड करूँगी और इसे चिकना करके एक अच्छा सा स्मूथ सा हम लोग डो बनाएंगे। इसके बाद जब हम लोग इसको रेस्ट देंगे, थोड़ा सा फूल जाएगा और ये गुलाब जामुन बनने के लिए परफेक्ट होगा। देखिए अब ये आटा गूंद के रेडी है। फिर से हम लोग थोड़ा सा लेके इसको चेक करेंगे। अब मैं इस बार में इसको राउंड शेप दे रही हूँ। देखिए इसमें क्रक्स तो आ रहे हैं पर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तब ये जब रेस्ट लेगा तो ये एकदम से परफेक्ट बनेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ढक देंगे और 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। अब देख सकते हैं कितना स्मूथ डो बना है। तो चलिए इसको ढक देते हैं और 20 मिनट के बाद हम लोग इसमें इसे गुलाब जामुन बनाएंगे। 20 मिनट बाद मैं ढक्कन खोल रही हूँ। देखिए आटा थोड़ा सा ड्राई हो गया है, क्योंकि ये आटा है ये पानी एब्जॉर्ब करता है, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, इसलिए इसका ड्राइनेस दूर करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच घी। घी डाल के इसको अच्छी तरह से मसल मसल के हम लोग चिकना कर देंगे। देखिए मैं इसको मसल रही हूँ कंटिन्यूसली ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसको हम लोग सेप देंगे। सेप देने के लिए मैंने दोनों हाथों में घी लगा लिया है और इसके बाद हम लोग सारे गुलाब जामुन को सेप दे देंगे। आप कोई भी सेप दे सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिलेंडर का सेप दिया है, क्योंकि राउंड मुझसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनता है, इसीलिए मैंने सिलेंडर का सेप दिया है। इस तरह से हम लोग सारे गुलाब जामुन को सेप दे देंगे और इसको साइड में रखेंगे, और सारे गुलाब जामुन को आप ढककर ही रखें, नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगे। देखिए ये सारे गुलाब जामुन बनके रेडी है। अब हम इसको तलेंगे। तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसको मीडियम फ्लेम में मैंने गरम किया है। इस तरह से छोटे से पीस हम लोग इसमें डाल के देखेंगे, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इमीडिएटली ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तेल का टेम्परेचर सही है। अब जो गुलाब जामुन हम लोग बना के रखे हैं इसमें हम लोग डाल देंगे, पर पूरा कढ़ाई फिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, ये थोड़ा सा फूलेगा। तो कढ़ाई में थोड़ा सा स्पेस रखिए ताकि ये सब फूल जाए और इवनली पक जाए, और बीच बीच में ये इन सबको उलट पलट भी करते रहें ताकि चारों ओर से ये सब इवनली पक जाए। देखिए कलर इनका, इन सबका कलर इक्वली सेम आया है और मैंने ज़्यादा गुलाब जामुन भी नहीं डाले हैं। देखिए ये इवनली गोल्डन हो चुके हैं। अब 1 मिनट और तलेंगे इन सबको। देखिए ये गोल्डन कलर का हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउन भी हो चुका है। अब इन सबको हम लोग निकाल लेंगे, और चाशनी ठंडी हो चुकी हो तो चाशनी को फिर से आप गर्म कर लें। ठंडी चाशनी में अब डालेंगे तो गुलाब जामुन फूलेंगे नहीं। तो देखिए मैं इमीडिएटली तेल से उठा रही हूँ और डायरेक्ट चाशनी में ही डाल रही हूँ, और चाशनी को गर्म ही रहने दें और इन सबको केयरफुली मिक्स करें। अभी तो ये ठंडे हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट बाद ये सब सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तब आपको मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए इसी तरह से हम लोग सारे बाकी सारे जो गुलाब जामुन हैं उनको भी तल लेंगे और कढ़ाई से उठा के उन सबको हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में आप उन गुलाब जामुन को 2 से 3 घंटा रेस्ट करने दें ताकि वो सारा चाशनी ऑब्जर्व कर लें और अंदर से ही सॉफ्ट हो जाए। अगर आप चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे तो भी गुलाब जामुन चाशनी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और उसके अंदर तक चाशनी घुस नहीं पाएगा और गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं होंगे। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इन सबको उलट पलट कर रही हूँ। देखिए ये अभी सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो जब आप सेकेंड बैच तले या थर्ड बैच चले तले तब आप केयरफुली ही चाशनी में इनको उलट पलट करें, नहीं तो जो पहले सॉफ्ट हो चुके हैं गुलाब जामुन वो
टूटना शुरू हो जाएंगे। 2 घंटे रखने के बाद मैं गुलाब जामुन को सर्व कर रही हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही डेलिकेट बने हैं। चम्मच थोड़ा सा लग जा रहा है, ये तो ये इस फट जा रहा है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरी जो आने वाली रेसिपी है उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अब जिनको ये गुलाब जामुन बना के खिलाएंगे वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये आटे का बना है। तो चलिए एक गुलाब जामुन पीस को मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने इजीली चम्मच अंदर घुस रहा है और इसके अंदर का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, बना है ना जूसी। देखिए कितना रसीला बना है, अंदर से चाशनी पूरा ऑब्जर्व किया है इसने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर रेसिपी ट्राई कर रही हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर इन्फॉर्म करिए या फिर डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।